प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुति भोजपुरी फिल्म दीवाना तेरा मर जाएगा का भव्य मुहूर्त मुंबई में किया गया। फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज पांडे हैं। इस फिल्म की लॉन्चिंग पर चीफ गेस्ट डॉक्टर सतीश सिखा, जो दुनिया भर में इंसानियत की सेवा के लिए जाने जाते हैं। इस मुहूर्त के अवसर पर रूपाली तिवारी और भोजपुरी सिनेमा के महानायक कुणाल सिंह भी मेहमान के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर फिल्म के अभिनेता सत्येंद्र सिंह, नूरी मोहताज, सोनी झा, फिल्म के संगीतकार एस कुमार, लेखक मनोज हंसराज, डांसर मास्टर पप्पू खन्ना उपस्थित रहे। जी देखिए, मैं हर उस नौजवान को बहुत शिद्दत से साथ देता हूं जो संघर्ष कर रहा होता है। सत्येंद्र एक ऐसा ही नौजवान है जो संघर्ष कर रहा है, मेहनती लड़का है और ये फिल्म बड़ी अच्छी है। टाइटल से ही पता चलता है युवा फिल्म है, यूथ की फिल्म है ये, जो आज का हमारा जेनरेशन है। और सिनेमा के दर्शक 18 साल से 35 साल के हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जरूर लोगों को पसंद आएगा। और उससे अच्छी बात है कि इस फिल्म से जुड़े हुए महान हस्ती, आप कई सोशल कॉज में इन्वॉल्व हैं और ये भी एक सोशल कॉज है, चूंकि एक फिल्म बनाने में बहुत सारे परिवार को रोजी रोटी मिलती है, इससे जुड़े हुए लोगों को। अगर ये कहूं कि सिनेमा ब्लैक करने से लेके जो टॉर्च लेके सीट पर नंबर में बिठाता है, जो पोस्टर लगाता है, जो इसमें कलाकार काम करते हैं, टेक्नीशियन, मीडिया के आप तमाम लोग, तो ऐसा इनका साथ मिला है, ये हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है। और मेरे बगल में रूपाली बैठी हैं जो बहुत अच्छा ड्रेस डिजाइनिंग करती हैं, और एक मुझे लगता है कि एक भोजपुरी सिनेमा में भी कॉस्ट्यूम को लेके एक नया प्रयास किया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि रूपाली जी हम लोगों को, इंडस्ट्री को, हमारे इंडस्ट्री को एक नए तरीका कॉस्ट्यूम, चूंकि कॉस्ट्यूम बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कैरेक्टर को या किसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करने में। और साथ में हमारे बैठे हैं मनोज बाबू, तो मनोज जी निर्माता निर्देशक हैं, काफी जोशो खरोश से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। सो मच इनका कि मेरे इतने अच्छे अच्छे सब बोले। भोजपुरी में मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि सत्येंद्र भाई जो है वो और ग्रोथ करें और आगे बढ़े और भोजपुरी को एक हम अच्छे, जैसे इन्होंने कहा कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। जो भी हमारा जो एक डिजाइनिंग होता है तो उसमें जो भी माइनस होता है वो ना हो, उस पर अभी हम वो फोकस कर रहे हैं और अभी ये आए हुए हैं सर। पहले तो मैं इधर आया हूँ, बट इन लोगों से बुलाने से दूसरा रीजन इधर आने का, गणपति ने भेजा इधर, ऊपर वाले ने भेजा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी मैं जाता नहीं, बट ये फर्स्ट टाइम मैं इधर हूँ और एकदम ये गॉड्स प्लान, भगवान का प्लान है, इसलिए मैं इधर हूँ आप सबके साथ और ये मूवी के लिए। और ये मूवी में वो गणपति का, करोड़ों गणपति का एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसके अंदर है, वो मुझे लग गया, इसलिए मैं इधर हूँ आज। स्टीज के भीष्म पितामह बोले जाते हैं जो बैठे हैं, कुणाल भैया ये बैठे हैं, इनको कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं जानता है। और समाज में भोजपुरी और हिंदी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सब्जेक्ट होती है, हर एक लैंग्वेज की मूवी बनती है। भोजपुरी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं बहुत लाइक करता हूँ भोजपुरी। मैं बिहार से हूँ, मेरे को कोई इसमें नहीं है, बाय बर्थ में झारखंड में रहा। और मैं इस मूवी में एकदम जो समाज में एक मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज जाए, उस टाइप का ये स्टोरी है और मैं उसको देने का पूरा भरपूर कोशिश करूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं देने आया हूँ यहाँ पर, ये पूरा यकीन बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे हम लोग, बिकॉज बड़े पैशनेट फिल्म मेकर हैं और काफी और विषयों पर भी उन्होंने खूब काम किया हुआ है। अपना पर्सनल मुझे जो नॉलेज है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपना जो है, जो भी काम करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे कुछ भी हो, जिस दिन की कंपनी का नाम भी ड्रीम सिटी है,
बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक तरफ मेरी फिल्म रिलीज हो रही है और दूसरी फिल्म की हमारी मुहूर्त हो रही है, तो बहुत खुश हूँ कि दीवाना तेरा मर जाएगा मेरा अभी शुभ मुहूर्त हुआ, आप सब आए आशीर्वाद प्यार दिए। और उससे बड़ी खुशी हमको मिली है कि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच आई हुई है, जो सतीश शिखा जी हैं, जो दूसरे के लिए जीने वाले वर्ल्ड में कम ही लोग मिलते हैं, पीड़ा उठाया और फिल्म लेके बना रहे हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में बनाए हुए हैं, सीरियल प्रोड्यूस किए हैं, बहुत अच्छे मेकर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर तो हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं। और उन्होंने मुझे देखा और बोला कि मैं तुमको एक फिल्म लेके बनाऊंगा, और वो आज पूरा किए अपना वादा। उसके बाद बहुत खुशी की बात है, उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म मुझे एज ए हिंदी में उन्होंने काम दिया है, तो मैं बात देना चाहेगा, मेरे भाई है ये, इसे लेके जो मैंने गाद बनाया उसके बाद इससे अच्छी अच्छी पिक्चर मिल रही है। दीवाना तेरा मर जाएगा जो इसका एक अच्छा जैसे ड्रीम सिटी इसे प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था जहाँ तक मुझे पता है। बहुत सालों से इसने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की है और साथ मिला मनोज पांडे जी का एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आप जो रूटीन सब्जेक्ट देखते हैं ना, एकदम उसके जैसा नहीं है, ये काफी एक्शन लव स्टोरी है और इनका जो कैरेक्टर है बहुत ही अलग है, एक फौजी का कैरेक्टर है इनका, और ये सिर्फ डम्मी है। आपको जो ओरिजिनल लुक देखने को मिलेगा ना, आप खुश हो जाओगे। हाँ, इसको रखा गया है, और चूंकि बहुत सारे बंद मुट्ठी लाख का खुल गया तो खाक का, तो वो सब चीज पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। सब्जेक्ट है सबसे पहले, और सत्येंद्र जी का रोल भी बहुत अच्छा है, तो सोच रही अगर मनोज स्क्रिप्ट है तो गाने भी उसी हिसाब से स्क्रिप्ट हिसाब से गाने बने और बहुत अच्छे गाने हैं। हमेशा नया चैलेंज होगा, नए बच्चे लोग नया म्यूजिक दे रहे तो हम तो अच्छा उनको इनवाइट करेंगे, नया नया म्यूजिक दो, नए जनरेशन आने चाहिए, इतने साल से चलते आ रहे हैं, कितने आए म्यूजिक डायरेक्टर, अभी नए बच्चे आएंगे तो नयापन देंगे ना, तो हम भी कोशिश करेंगे उसमें कुछ नया करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो इसको मुबारकबाद दे रहा हूँ बेटे को मेरे, दीवाना तेरा मर जाएगा, और मनोज पांडे जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ, मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक सब टीम को, कांग्रेचुलेशन। हमें खुशी की बात है कि हमारा बेटा दीवाना मर जाएगा फिल्म बना रहे हैं अपना मेहनत से दौड़ भाग करके। भगवान से वही कहता हूँ कि आगे बढ़ें, और ये फिल्म बहुत खुशी की बात है, ये आगे अपने बढ़ रहे हैं। और पहले भी बहुत सारी फिल्में की हैं। जी हाँ, बहुत बनाई है फिल्म। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ आप सभी को, और इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग उनके डायरेक्शन में काम करेंगे, उनकी फिल्म में काम करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने सत्येंद्र जी जो कि इस फिल्म के हीरो हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दें। थैंक्स टू सत्येंद्र जी, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज पांडे जी को, और प्रोड्यूसर भी मनोज पांडे जी हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे टेक्नीशियन एंड टीम को, सारे आर्टिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। पोस्टर देख के लग रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी। मैं क्या बोलूं, उनके तो हर फिल्म में मैं होती हूँ, चाहे शुभकामनाएं दूं या उनके काम में मतलब साथ में काम करूं, तो मेरी तो बेस्ट विशेज उनके साथ है ही, हमेशा से ही रहेगी। तो कांग्रेचुलेशन सर आपके नए फिल्म के लिए। आप भी कर रही हो पिक्चर, कांग्रेचुलेशन टू मी आल्सो कि मैं भी काम कर रही हूँ। सत्येंद्र जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं है, ये दिन रात ऐसे ही तरक्की करे। भैया का आशीर्वाद तो हमेशा मिलते रहता है, पहली बार साथ में काम करने का मौका मिला है, और हमारी शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए। बैक डांसिंग भी करती थी, और तब इन्होंने मुझे हीरोइन का ऑफर किया, तो मैं जब सभी हीरोइन को देखती थी तो मैं अपने आप को उस लाइक नहीं समझती थी, और आज मुझे लगता है मैं उस लाइक हो गई हूँ। तो आप हीरोइन बन सकते हैं, कामनाएं मेरी तरफ से, और आप देखिए।